क्लास 7 साइंस लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, इस चैप्टर को हम देख रहे थे जिसमें हम अपनी इसके जस्ट पहले जो टॉपिक थी उसमें हम देखे थे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल, यानी कि फाइबर्स को, ठीक है, रेशों को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, क्या प्रक्रिया की जाती है कि वो ऊल में बदलता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप को हम देख लिए थे कि सबसे पहला स्टेप जो था वो शियरिंग का था। इसमें क्या होता है कि जो शिप के हेयर होते हैं उनको ट्रिम किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था और आज हम देखेंगे स्टेप 2 को। ठीक है, और फिर इसको समझेंगे कि हमें किस तरीके से फाइबर से ऊन मिलता है। ठीक है, यानी रेशों की सहायता से, यानी उनके बाल से हमें किस तरीके से ऊन प्राप्त होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं। सबसे पहले स्टेप 2 देखिए क्या दिया हुआ है। द शियर्ड स्किन विथ एयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कॉरिंग। नाउ अ डेज स्कॉरिंग इज डन बाई मशीन्स। जो भी पाल निकाला जाता है शिप के बॉडी पर से, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, अब बड़े बड़े टैंक में डाल के साफ किया जाता है, धुला जाता है। ठीक, जिससे क्या हो, उस पर जो भी गंदगी हो, ठीक है, जो भी डस्ट हो, डर्ट हो, ग्रीस हो, यानी जो भी उस पर गंदगी हो वह साफ हो जाए। ठीक, यानी उसको साफ किया जाता है, जो भी हेयर उसके बॉडी से निकाला जाता है ट्रिम करके उसको। और इस समय क्या हो रहा है कि जो स्कॉरिंग का प्रोसेस है उसे मशीन से किया जा रहा है। ठीक है, शियरिंग मतलब हो गया कि उसकी बॉडी पर से हेयर को ट्रिम करना शिप की बॉडी पर से, और स्कॉरिंग मतलब क्या हो गया, उस हेयर को धुलना या साफ करना। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या दिया है, आफ्टर स्कॉरिंग शॉर्टिंग इज डन। स्कॉरिंग के बाद शॉर्टिंग की जाती है, शॉर्टिंग की प्रक्रिया का नंबर आता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। उसके बाद क्या किया जाता है, जब स्कॉरिंग हो जाता है, उसकी साफ सफाई हो जाती है, तो सॉर्टिंग किया जाएगा। ठीक है, सॉर्टिंग में देखिए क्या होता है कि जो भी वह उसके स्किन होता है उसको क्या करते हैं, जो उनकी हेयरी स्किन है उसके बाद उसको फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में भेजने पे क्या होता है कि फैक्ट्री में वो जो एक तरह का बाल है उसको एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाएगा। मतलब ये होगा कि जो फाइन हेयर है, ठीक है, जो सॉफ्ट फाइन होंगे, ठीक है, जो मुलायम बाल होंगे उनको एक साइड कर लिया जाएगा, जो थोड़ा कड़े बाल होंगे उनको एक साइड कर लिया जाएगा, मतलब उनको अलग अलग कर लिया जाता है, एक तरह के बाल को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉर्टिंग हो गया। अब स्टेप 4 देखिए क्या होता है, स्टेप 4 में देख लेते हैं हम क्या होता है। इसके बाद जो छोटे छोटे स्टेप 4 में देखिए जो छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, जिसे बूर्स कहते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उस हेयर में से निकाल लिया, यानी जो हेयर होता है उसमें से भी अभी छोटे छोटे जो भी प्लफी फाइबर्स होते हैं उनको फिर से उसमें से छांटा जाता है, पिक किया जाता है। ठीक, दीज आर सेम बूर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। ये वही बूर्स होते हैं जो कभी कभी आपको आपके स्वेटर पे छोटे छोटे रेसे देखने को मिल जाते हैं। ठीक, द फाइबर्स आर स्कॉट अगेन एंड ड्राइड। इसके बाद इस समय भी जो फाइबर मिलता है उसको दोबारा से स्कॉट किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, दोबारा से उसकी साफ़ सफाई की जाती है और फिर उसको सुखाया जाता है। ठीक, दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। और इस समय क्या होता है कि जो ऊल होता है वो लगभग तैयार हो चुका रहता है। ठीक है, लगभग ऊन अब लगभग तैयार हो चुका रहता है। स्टेप 5 देखिए क्या दिया है, द फाइबर कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर एज ए नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। उसके बाद जो भी वूल तैयार हुआ रहता है उसको विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। ठीक है, नहीं तो प्रायः क्या होता है कि जो गोट और शिप का जो ऊन होता है, जो उसका बाल होता है, वह प्रायः ब्लैक ब्राउन या वाइट कलर का पाया जाता है, यानी काला भूरा और सफ़ेद पाया जाता है। लेकिन हम मार्केट में देखते हैं कि हमें लाल, पीला, हरा, नीला, तमाम तरह के रंग बिरंगे ऊन मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको उस समय तो इसका क्या मतलब है कि उसको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, उसको रंगा जाता है। ठीक है, 6 देखिए, द फाइबर्स आर स्टेन्ड कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न। उसके बाद जो फाइबर्स हमें मिले रहते हैं उसको सीधा करते हैं, ठीक है, उसका कंघा करते हैं, ठीक है, उसको कंघी करने के बाद उसे रोल करके धागे में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। लंबे फाइबर का इस्तेमाल स्वेटर के बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्वेटर का जो स्वेटर बनाने के लिए जो ऊन उपयोग होता है उस लिए उसका किया जाता है लंबे फाइबर्स का। एंड शॉर्ट फाइबर्स आर स्पून एंड वोवेन इनटू वूलन क्लॉथ। और जो छोटे छोटे फाइबर्स मिलते हैं हमें, ठीक है, जब हम ये इसको यार्न को बना रहे होते हैं, धागा बना रहे होते हैं रोल करके, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ बड़े मिलते हैं, कुछ छोटे मिलते हैं, तो बड़े वाले को रोल करके बना दिया जाता है। बड़े वाले को जब रोल कर देते हैं तो उसका इस्तेमाल स्वेटर बनाने के लिए किया जाता है, और जो छोटे छोटे होते हैं उनसे उलन क्लोथ बनाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है शियरिंग ऑफ शीप, यानी कि इस समय क्या किया जा रहा है, इसके शरीर से हेयर को ट्रिम किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। दूसरा दिया स्कॉरिंग, स्कॉरिंग में जो हेयर यहाँ से निकला उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है,
क्लीन किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए, स्काउरिंग बाय मशीन्स, ये मशीन्स के द्वारा स्काउरिंग की जाए। मैंने वहाँ बताया था कि स्काउरिंग आजकल मशीन्स के थ्रू भी हो रही है, तो इस तरह से मशीन से इसमें डाल दिया जाएगा, तो इसमें जो भी डर्ट होगा, गंदगी होगा, वो यहाँ पे स्काउरिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, मशीन के द्वारा साफ़ किया जाता है। जो भी यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो भी यहाँ पे बाल मिलता है उसको टैंक पे साफ़ किया जा रहा था, ठीक। लेकिन इस समय प्रायः किसका यूज़ हो रहा है, मशीन का यूज़ हो रहा है, इसके थ्रू स्काउरिंग का प्रोसेस किया जा रहा है। स्काउरिंग का प्रोसेस होने के बाद क्या किया जाता है, उसको इस तरीके से धागे में रोल कर दिया जाता है, फिर ये मार्केट में पहुँचने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है, हमें ऊल मिलता है, ठीक। तो हम इसको इस तरीके से एक फ्लो वाइज दिखा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, शियरिंग होता है, यानी कि जो सीप होते हैं, ठीक, या फिर जो भी गोट होते हैं, ठीक, जो भी इस तरह के जानवर होते हैं जिनसे वूल हमें प्राप्त होता है, उसको सबसे पहले ट्रिम किया जाता है, उनके शरीर पे के हेयर को निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसकी स्काउरिंग होती है, स्काउरिंग मतलब उस हेयर को साफ़ किया जाता है जिससे उसकी गंदगी साफ़ हो जाए। उसके बाद क्या किया, शॉर्टिंग किया जाता है। शॉर्टिंग मतलब एक तरह के हेयर को एक तरह किया जाता है, मतलब क्या होता है कि जो मुलायम बाल हैं उसको एक साथ कर लिया जाएगा, जो कड़े बाल हैं उसको एक साथ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जो बाल एक तरह के होंगे उनको एक साथ कर लिया जाएगा, ठीक, सेपरेट कर लिया जाता है, मतलब सॉर्टिंग मतलब क्लीनिंग ऑफ बूर्स। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी जो सॉर्टिंग करने के बाद से हमें जो भी बाल मिलते हैं, ठीक है, जब हम अलग अलग उसको कर रहे हैं तो जो भी हमें बाल मिल रहे हैं फिर उसकी क्लीनिंग की जाती है, ठीक है, उसको साफ़ सुथरा किया जाता है। उसके बाद, ठीक है, जो भी हमें धागा मिल रहा होता है उसको, यदि हमें रंग बिरंगा चाहिए तो हम उसे डाई करते हैं, ठीक है, ये सब डाई किया जाता है, उसको रंगा जाता है। रंगने की वजह से ही हमें मार्केट में तरह तरह के रंग बिरंगे ऊन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद उसको रोल कर दिया जाता है, रोल करने के बाद फिर वो मार्केट में रेडी हो जाता है जाने के लिए, जो हमें रेडी दिखाई देता है, जो हम मार्केट में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने इस पूरे स्टेप्स को कवर कर लिया, ठीक है। वूल जो भी प्रोसेसिंग फाइबर्स इंटू वूल था, इसका पूरा स्टेप्स हमने देख लिया, ठीक। इसके बाद हम अगली पेज नंबर 28 आएगा, ठीक, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।